लिमिटेड टेंडर कैसे परवर्ट करेंगे, क्रिएट टेंडर न्यू टेंडर में और इसको हम लोग लिमिटेड में डालेंगे, है ना। यहाँ पे क्रिएट टेंडर के टाइम पे फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर। लिमिटेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड डालना पड़ेगा, बाकी सब प्रोसीजर वही रहेगा, जो है रेफरेंस नंबर ये डाल दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा लिमिटेड करूंगा। अभी यहाँ पे जो भी आपको डालना है परसेंटेज तो परसेंटेज, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट डालना है एज पर अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हम लोग पहले के टेंडर में कर रहे थे सेम यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। थ्री अप टू इसको नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो ये वाला पहले के ऑप्शंस में नहीं आ रहे थे, बराबर है, बट अभी इसमें ये ऑप्शंस आना चालू हो गया। अभी आपको ये टेंडर किस कैटेगरी में निकालना है, मान लो मुझे सिविल वर्क में निकालना है, ओके, तो मैं यहाँ पे सिविल वर्क डालता हूँ, डाला तो यहाँ पे कोई भी बीडर ऐड नहीं है, तो हम जब तक बीडर ऐड नहीं होगा तब तक हम लिमिटेड टेंडर नहीं निकाल सकते। अभी मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बीडर ऐड करना पड़ेगा, बीडर ऐड करना पड़ेगा। बीडर कैसे ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे जाओ ऑर्गेनाइजेशन हेरिटरी मास्टर में, पहले बीडर ऐड करो, यहाँ पे जाओ एडिट और यहाँ पे आपको लिमिटेड टेंडर बीडर ऐड करने मिलेगा। इनलिस्ट बीडर यहाँ पे आने का, इनलिस्टेड बीडर यहाँ पे, इस पे जाओ, यहाँ पे आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, ऐड बीडर टू प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से कोई भी टेंडर को सेटिंग में कर सकते हैं, जैसे कि मुझे वर्क वर्क का टेंडर आना है और ये हमारा सिविल वर्क, इसको करेंगे ऐड। यहाँ पे अभी कैसे आपको कंपनी किसको ऐड करना है, कोई कंपनी को, या लॉगिन आईडी से सर्च करना है या कंपनी से, मैं कंपनी से सर्च करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दिया मेरा भगत, भगत टेक्नो के नाम पे जितनी भी कंपनीज बनी है तब यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, इतने सारे हमने बना के रखे। देखो अभी मुझे कोई ऐड करना है, ये टेंडर में कौन भर सकता है, मैं भर सकता हूँ, आदित्य पंडित 0508 वाला टेंडर भर सकता है, ये टेंडर ये भर सकता है, तो इसको सेव करूंगा। और भी किसी का कोई आईडी आपको डालना है इसमें ऐड करना, तो हम इसको ऐड और भी कर सकते हैं, इसमें और भी ऐड करना है तो बोलो, आप लोगों का टेंडर में महा टेंडर्स में आईडी है तो बताओ, किसी का भी पावर विक्की, विक्की पावर, बिग पावर डालते हैं ना, पावर के नाम से आप बनी है मान लीजिए, तो देखो बिग पावर के नाम से जो भी जिसने जिसने डाला है आ जाएगा, नहीं आ रहा है इसमें संजोकर, स्पेलिंग बराबर है क्या सर, VICKY, हाँ बराबर है ना, नहीं आपका वहां टेंडर्स में अकाउंट है क्या, हाँ सर है ना, इस ये बोलो लॉगिन आईडी बताओ, पावर विकी 251 @gmail.com आ गया था ना, विक्की बिलास पावर के नाम से, अब इसको भी ऐड कर दिए तो सेव, तो इसका नाम आ गया। अब लोग हम लोगों ने मिनिमम 3 लोगों को ऐड करना है, उससे ज्यादा भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने मान लो ये 3 लोगों को ऐड कर दिया। अभी मुझे टेंडर पब्लिश अभी किसमें करना है, लिमिटेड टेंडर में निकालना है। अभी ये TI जो हम लिमिटेड टेंडर में निकालेंगे, अभी ये 3 लोग ही टेंडर को भर पाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं भर पाएगा। देखो कैसे, क्रिएट टेंडर या टेंडर लिस्ट, ये वाला टेंडर था लिमिटेड का, व्यू इसमें जाएंगे, एडिट बेसिक डिटेल्स, यहाँ पे जाओ नेक्स्ट,
अभी डालो यहाँ क्या है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी, हम लोगों ने सिविल वर्क किया, सिविल वर्क करो सर्च। अभी देखो तीन लोग पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे बीडर, अभी यहाँ पे तीन बीडर आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उधर ऐड कर दिया, आ गया। अभी किसको किसको, इसमें भी मान लो आप लोगों ने 10-15-20 लोग ऐड कर दिया, तो आप सबको भी इनवाइट नहीं भी भेज सकते, आपको जिसको चाहिए उसको इनवाइट भेजो, सिलेक्ट ऑल, हमको सबको भेजना है, किसी को निकालना है तो निकाल भी सकते, मुझे तीनों को भेजना है। नेक्स्ट, अब ये टेंडर कौन भर पाएगा, यही लोग तीन लोग भर पाएगा, बाकी लोग नहीं भर पाएंगे, इसको बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। बाकी आगे का प्रोसीजर जैसे अभी हम बना रहे थे सेम टू सेम होगा, ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट्स है तो बताओ। हाँ दयानेश्वर सर बोलिए। सर लिमिटेड में ऐसा कुछ नॉर्म है क्या कि इतने एटलीस्ट तो होने ही चाहिए टेंडर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीन बीडर होने चाहिए, देखो तीन बीडर चाहिए, मिनिमम तीन लोग तो चाहिए ही ना, कोई भी टेंडर को खोलने के लिए मिनिमम तीन लोग चाहिए, तो आप उसमें से तीन लोग चूज करते हैं, आप 3, 4, 5, 10 जितना मर्जी उतना चूज कर सकते, तब ये टेंडर आप लोगों को दिखेगा तक नहीं अपने लॉगिन आईडी पे, बाकी लोग यदि लॉगिन करके टेंडर को सर्च करेंगे तो उनको टेंडर दिखेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड टेंडर है और जिसको इनवाइट किया गया है वही वो टेंडर को भर पाएगा, ये पूरी तरीके से सेफ है और कैसे भी नहीं, पर लिमिटेड टेंडर के कुछ नॉर्म्स है, आप हर एक टेंडर लिमिटेड में नहीं निकाल सकते, नहीं तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। हाँ कभी मेजर रहा कुछ और जिला परिषद में, खासतौर पर जिला परिषद, दूसरे डिपार्टमेंट में मत करो, जिला परिषद में कभी ऐसा लगा इमरजेंसी कुछ आपको ऐसा मैनेज करना है तो आप लिमिटेड में निकाल के अपना टेंडर खुद मैनेज करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको लिमिटेड टेंडर का प्रोसीजर।